और आपको सीधे लिए चलते हैं मुरादाबाद, जहां पर प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, सुनते हैं। का दाम आसमान छू रहा है, आपको एमएसपी के कम दाम में आपसे धान और गेहूं खरीदा जा रहा है। हमारी ये प्रतिज्ञा है कि छत्तीसगढ़ की तरह यहां पर भी 2500 रुपए में धान खरीदा जाएगा, यहां पर भी गेहूं 400 रुपए क्विंटल में खरीदा जाएगा, माफ करिए गन्ना 2500 में गेहूं और धान और 400 में गन्ना। किसानों के लिए हमने तय किया है कि आपका पूरा कर्जा हम माफ कराएंगे। देखिए महंगाई बहुत ज्यादा है, मैं जानती हूं कि आप कितना तड़प रहे हैं महंगाई की वजह से। ये मेरी महिलाएं बैठी हैं, ये लोग सोच हैं कि आपको एक गैस सिलेंडर पकड़ाकर आपके प्रति पूरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। इनको दिखाइए कि जब तक आपको पैरों पे खड़ा करेंगे नहीं, जब तक आपको सशक्त नहीं बनाएंगे, आपको मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक आपका वोट उनको नहीं मिलेगा। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। ये महंगाई की मार किसानों पर है, गरीबों पर है, दलितों पर है, लेकिन सब वर्गों में इनका बोझ आप उठाती हैं। मैं जानती हूं कि आप कितना संघर्ष कर रही हैं, बिजली कितनी महंगी हो गई है, आटा, मोबाइल का डेटा, जीवन बीमा, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल हद से ज्यादा महंगाई है। आपको बड़े बड़े बिल मिलते हैं, मैंने देखी है ये बिल। महिलाएं मुझे कहती हैं कि हमने तो बिजली ऑन ही नहीं की, हमने चला यहां बिजली आई ही नहीं, फिर भी हमें इतनी बड़ी बिल मिल रही है। आप सब यहां पर, ये एक ऐसा शहर है जहां उद्योग है, आप सब जानते हैं कि बिजली का कमर्शियल रेट कितना है और इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। आपको कहा गया था मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, क्या बना? केवल एक ही चीज स्मार्ट है, स्मार्ट मीटर और स्मार्ट लूट।